जैसे आज यहाँ प्रधान जी के यहाँ बरात आइल बा, भगवान राम के बरात आइल। बरात में जितना भी लोग औलन, राजा जनक यह सोचे खगवन की कितना बढ़िया से हम खातिरदारी क्योंकि कुछ कमी ना हो कहीं का। राजा जनक जी खुद साजे से चमकेली चम चम दुबैया, ऐसे लागे की लागत मानो हीरा जवाहरात चारों तरफ सजौले वाले और मंडप की शोभा तो चौगुनी रहे रहे कैसे। पहले लागे दो चार दिन पहले से कि घर में भी आ पड़ल है। शोभा कैसे लागत रहे निहारे खा
बताली हारे खड़ा होई गगनवा। देवता भी जनक जी के दुआरी पे बारात देखे खातिर ललाइत रहलन, मानव के रूप धारण करके धरती पे उतर गईलन। भइल का सूरज चाहत उतर जाई जनक पूरा, लेकिन दिल में दुख बा ये बात के कि सुबह हमार फूल जैसन कली एक पराए घर में चल जाई। कोनो भी मातारी बाप के लड़के के जब अपने पाल पोस के बड़ा करे लन ए बाबू, तब ते बड़ा खुश रहन कि हमरे घर में लक्ष्मी आइल बा। हमरे गुरुजी एक लाइन लिखलन, कोखिया पवित्र कैसे होई जवन गोदी बिटिया न होई। भले बिटवा के भैया पे डीजे बाजा खूब बजवावा, लेकिन घर पवित्र कोनो महतारी के कोख पवित्र ना होला जब तक बिटिया के जन्म ना हो। लेकिन जेकरे घरे बिटिया पैदा हो जाए पूछा भैया कहा भइल, कहीं बिटिया भइल बा, जैसे लगे कि मानो पहाड़ नहीं ऊपर गिर गई। बिटिया बड़ी ही अनमोल होली, वो माई से पूछा जोने माई कि बिटिया जोने माई कि बिटिया के पाल पोस के जब बड़ कर बियाहे के जूनी आवेला, और जब सुबह विदाई करके दूसरे के घर में यानी पराए घर में भेजे लिन, जाके उमाई से एक बार पूछा उनके दिल पे का गुजरे। आखिरी अंतिम लाइन में कहना बा, फूले समाये नहीं जनक जी के समाय नहीं जनक जी के छाती माई सुने ना लूटा फूले समाय नहीं जनक जी के छाती माई सुने ना लूटा बेली छाती ज्योति हरी ज्योति गीत रही गाई यही जनक पूरा।